वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हो? आशा है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ फ्रेंड फुल वॉच किया करो वीडियो को, वीडियो के अकॉर्डिंग ही कमेंट किया करो। आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, प्लीज़ बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज वीडियो है तुम्हारा स्प्राउट मेकर पे। स्प्राउट मेकर कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी, और मूँग दाल की चाट भी बताऊंगी कैसे हम उसको मैं बनाती हूँ। तो चलते हैं मेरी किचन में। स्प्राउट बनाने के लिए मेरे पास ये मूंग दाल है, और मूंग दाल के स्प्राउट मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। इसको मैं पहले इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। साबुत मूंग दाल को मैं अच्छे से क्लीन करके वॉश करके भिगो के रख देती हूँ पूरी नाइट, मतलब 12 घंटे, ठीक है। वैसे तो बहुत गर्मी है तो जल्दी से स्प्राउट हो जाएंगे, पर मैं स्प्राउट मेकर में रखूँगी तो मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको मैं 12 घंटे के लिए इसको वॉश करके मैं रख देती हूँ। तो फ्रेंड मैंने इसको वॉश करके अच्छे से पानी से भिगो के ओवरनाइट मैंने रख दिया है, ठीक है। ये है मेरे पास में स्प्राउट मेकर, और जो मैंने ये रात भिगो के रखी थी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ओवरनाइट करने के बाद में हमारी मूंग दाल थोड़ा सॉफ्ट हो गई है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके दो दो पार्टीशन है, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे जो नीचे का जो है ये स्प्राउट मेकर का, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी किस लिए? थोड़ी नमी के लिए, ठीक है। और उसके बाद में हम ये वाला पोर्शन रखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये वाली नॉब हमने रख रखी है, इससे क्या है पानी का जो ये मॉइस्चर है ना इसके थ्रू आ जाएगा। तो अब हम इसमें मूंग दाल डाल देंगे। और ये जो नॉब जो लगी हुई है ना इसमें, ये मैं दिखाती हूँ आपको, पास से दिखाती हूँ फ्रेंड। ये जो नॉब जो लगी हुई है ना, इसके पास हमको ये नहीं रखना, इसको स्पेस थोड़ा छोड़ के ही रखना है ताकि जो मॉइस्चर आए वो अच्छे से सेट हो जाएगी हमारी मूंग दाल। तो ये पोर्शन मैंने ऐसे ही रख लिया। इसके बाद रखते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन। तो जो नॉब हमने यहाँ लगाई है वो सेकेंड पोर्शन की जो हम लगाएंगे उसको अपोजिट रखेंगे इस तरह से, ठीक। अभी जितनी भी मूंग दाल है हम इसमें डाल देंगे सेम इसी तरह से, हम इसको ऐसे सेट कर देंगे। और फिर वही नॉब के पास से हमको नहीं रखना है ताकि मॉइस्चर अच्छे से रहे, ठीक है फ्रेंड। और इसको रख देते हैं हम, गर्मी का टाइम है तो 5 से 6 घंटे बहुत हैं अंकुरित के लिए, बाकी जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको जरूर मेंशन करूंगी। और हम इसको अब इसकी लीड को हम लगा देते हैं ऐसे। तो फ्रेंड हमने इस तरह से सेट कर लिया अपना, ये 1, 2 और 3 में नीचे पानी है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे 5 से 6 घंटे के बाद में देखते हैं कितना अंकुरित हुआ है, कितने स्प्राउट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। वैसे तो मैं इसको कहीं भी रख सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी का मौसम है, बट अगर सर्दियों में बनती हैं तो आप किचन में रख दो, मतलब गर्मी मिलनी चाहिए। तो मैं तो इसको बस कहीं भी रख दूँगी, या तुम्हें पता ही दिल्ली का टाइम हो, दिल्ली में हो या कहीं भी, अब तो आजकल गर्मी ही बहुत है, ठीक है। 6 से 7 घंटे होने के बाद में, 7 नहीं 7.5-8 घंटे में मैं आपको दिखाती हूँ सारा जो मॉइस्चर है जो पानी का, देखो ऊपर आ गया है। और मैं दिखाती हूँ कैसे ये अंकुरित हुए हैं, देखो वाओ, बहुत अच्छे से स्प्राउट हो गए ना, ये देखो एकदम बढ़िया से। मैं नीचे का पोर्शन भी दिखाती हूँ, वाओ है ना, बहुत अच्छे से स्प्राउट हो गए हैं फ्रेंड्स। और अब हम इनकी चाट बना के खा सकते हैं। तो मैं इसकी चाट कैसे बनाऊँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल इसको कर देती हूँ ट्रांसफ़र। और ये देखो अभी पानी फिर भी बचा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं स्प्राउट को सारा निकाल के एक बाउल में शिफ्ट कर देती हूँ। ये देखो फ्रेंड मैंने बाउल में शिफ्ट कर लिए हैं, कितने सारे हो गए ना। मेरे बेटे को ना बहुत पसंद है,
तो ये देखिए, अब मैं इनकी जब चार्ट बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और नज़दीक से दिखाऊं मैं आपको, ये देखूँ बहुत ही अच्छे स्प्राउट हुए ना। तो फ्रेंड बाउल में हमने शिफ्ट कर लिए अपने ये चार्ट, और इसमें मैं डालूँ खीरा, हरी मिर्च, लेमन और तुम्हारा अनियन, इन सबको मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी। मेरे को तीखा पसंद है तो मैं इस तरह से ही करूँगी, कुछ लोग ऐसे ही खाते हैं तो वैसे ही खाएं। और इसमें चाट मसाला, नमक और लेमन जूस मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब इसको हम हल्का सा हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से गार्निश करके, ये देखो मैंने बाउल में रख लिया और बहुत ही टेस्टी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।